दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप फोन रीसेट के बाद अपने डिलीटेड फोटोज को रिकवर कर सकते हो। यानी अगर आपका फोन रीसेट हो गया है तो दोस्तों आप अपने डिलीटेड फोटोज को दोबारा से कैसे वापस ला सकते हो, क्योंकि दोस्तों काफी टाइम ऐसा होता है कि गलती से हमारा फोन रीसेट हो जाता है, फॉर्मेट हो जाता है, हमारा पूरा डेटा डिलीट हो जाता है, हम अपने डिलीटेड फोटोज को रिकवर नहीं कर पाते हैं, दोबारा से वापस नहीं ला पाते हैं। आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं जिनको आप यूज करके दोस्तों आप फोन रीसेट के बाद अपने डिलीटेड फोटोज को रिकवर कर सकते हो, दोबारा से वापस ला सकते हो। तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जरूरी है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और गाइस अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आपका फोन रीसेट हो गया है, फॉर्मेट हो गया है, आपका पूरा फोटो डिलीट हो चुका है, तो आपको सबसे पहले अपने फोन में पुराने सभी जीमेल अकाउंट्स लॉग इन करने, ठीक है। पहले आपके फोन में जितने भी जीमेल अकाउंट्स लॉग इन थे, आपको उन सभी जीमेल अकाउंट्स को दोबारा से लॉग इन करने, ठीक है, क्योंकि दोस्तों आप जीमेल से ही अपने फोटोज को रिकवर कर सकते हो। ओके, लॉग इन करने के बाद जब आप अपने फोन में पुराने सभी जीमेल अकाउंट्स को लॉग इन कर लोगे, दोस्तों आपको फोटोज एप्लीकेशन का हेल्प लेना होगा, ठीक है। आपको फोटोज एप्लीकेशन से अपने सभी पुराने डिलीटेड फोटोज को रिकवर करने, दोस्तों आपके फोन में फोटोज एप्लीकेशन होगा, आपको फोटोज एप्लीकेशन को ओपन करना है और आपको यहां पर प्रोफाइल पर टैप करना है, अपने जीमेल अकाउंट्स को एक एक करके सेलेक्ट करना है और देखना है कि कौन से जीमेल में कितना फोटो सेव है, ठीक है। अगर आपको यहां पर फोटो शो नहीं होता है, आपको यहां पर फोटो नहीं दिखता है, तो आपको क्रोम ब्राउजर को ओपन करना है, ठीक है। आपको जाना है क्रोम ब्राउजर में। क्रोम ब्राउजर में जाने के बाद आपको यहां पर टाइप करना है photos.google.com, ठीक है। आपको यहां पर सर्च करना है photos.google.com। दोस्तों जब आप photos.google.com सर्च करोगे, ठीक है, इस तरह आपको डायरेक्ट वेबसाइट में डालना है photos.google.com। दोस्तों इसका ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगा, आपको इसको थ्री डॉट पर टैप करके डेस्कटॉप साइट कर देना है, ठीक है। जैसे लैपटॉप कंप्यूटर में पेज ओपन होता है, आपको यहां पर कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। अब दोस्तों आप यहां पर देख सकते हो एक भी फोटो शो नहीं हो रहा है, जो जीमेल अकाउंट हमने लॉगिन कर रखा है इसमें एक भी फोटो सेव नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों आपको अपने जीमेल अकाउंट को चेंज करना है, आपको अपने जीमेल अकाउंट को चेंज कर करके देखना है कि कौन से जीमेल अकाउंट में कितना फोटो सेव है, ओके, क्योंकि दोस्तों हमारे जीमेल में बहुत सारे फोटो सेव होते हैं, हमें पता नहीं होता है, ओके। आपको प्रोफाइल पर टैप करके अपने जीमेल अकाउंट को सेलेक्ट करना है, चेंज करना है, ठीक है। तो अब हम जीमेल अकाउंट को चेंज करते हैं। तो दोस्तों हमने जीमेल अकाउंट को चेंज कर दिया है, ओके। अब आप यहां पर देख सकते हो हमारे काफी सारे फोटोज शो हो रहे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो दोस्तों इसमें 2015 तक के फोटोज सेव हैं। ऐसे ही आपके भी जीमेल अकाउंट में फोटोज सेव होंगे, आपको पता नहीं होगा। आप एक एक करके सभी जीमेल अकाउंट को सेलेक्ट करो और देखो कि किस जीमेल अकाउंट में कितना फोटो सेव है, ठीक है। आप यहां पर देख सकते हो 2020, नीचे आप देख सकते हो 2015 तक के फोटोज हमारे जीमेल में सेव है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह आप अपने पुराने सभी फोटोज को देख सकते हो, ओके। देखो अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप यहां पर देख सकते हो फरवरी 2015 तक के फोटोज हमारे जीमेल अकाउंट में सेव हैं, ठीक है। अगर आपके फोटोज आपको मिल जाते हैं, ठीक है, अगर आपके फोटोज आपको यहां पर मिल जाते हैं, तो दोस्तों आप उनको डाउनलोड करके गैलरी में सेव कर सकते हो। गैलरी में कैसे सेव करना है, चलिए मैं आपको बताता हूं, ओके। सिंपली आपको उस फोटो पर टैप करना है जिसको आप डाउनलोड करना चाहते हो, जिसको आप गैलरी में शो करना चाहते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि ये फोटो हो गया, ठीक है, हमें इस फोटो को गैलरी में शो करना है, गैलरी में सेव करना है, तो दोस्तों आपको ऊपर थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर टैप करना है, आपको इस पर टैप करना है। यहां पर आपको मिलेगा सेकंड नंबर पर डाउनलोड, आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है, फोटो डाउनलोड होकर गैलरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों आप इस तरह एक एक करके अपने फोटोज को डाउनलोड कर सकते हो और गैलरी में सेव कर सकते हो, ठीक है। मान लो कि आपको एक साथ काफी सारे फोटोज को सेव करना है, ठीक है, आपको काफी सारे फोटोज को सेव करना है, तो दोस्तों आपको फिर से थ्री डॉट पर टैप करना है, यहां पर आपको सेलेक्ट फोटोज का ऑप्शन मिलेगा, आपको इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब आप इस तरह एक एक करके फोटोज को सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद
आपको यहां पर फिर से थ्री डॉट पर टैप करना है, आपको मिलेगा डाउनलोड, इस पर टैप करना है। जितने भी फोटोज आपने सेलेक्ट किए होंगे वो फोटोज डाउनलोड होकर गैलरी में सेव हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह आप अपने डिलीटेड फोटोज को रिकवर कर सकते हो, दोबारा से वापस ला सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो डाउनलोडिंग फाइल्स हो रहा है, यानी जो फोटोज हमने सेलेक्ट किए थे वो फोटोज डाउनलोड होकर गैलरी में सेव हो रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह आप बहुत ही आसानी से अपने डिलीटेड फोटोज को सर्च कर सकते हो, खोज सकते हो। सिर्फ आपको क्रोम ब्राउजर में जाना है, photos.google.com सर्च करना है, वहां पर डेस्कटॉप साइट करना है। डेस्कटॉप साइट करने के बाद आपको एक एक करके अपने सभी जीमेल अकाउंट को सेलेक्ट करके देखना है कि कौन से जीमेल अकाउंट में कितना फोटो सेव है। और दोस्तों आपके फोटोज आपको मिल जाएंगे, आप उनको डाउनलोड करके गैलरी में सेव कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरह आप अपने डिलीटेड फोटोज को रिकवर कर सकते हो, दोबारा से वापस ला सकते हो। ठीक है, अगर मैं आपको गैलरी में दिखाऊं तो आप यहां पर देख सकते हो, एक फोटो हमने डाउनलोड किया था पहले, एक फोटो शो हो गया। ठीक है, बाकी के जो फोटोज हैं दोस्तों वो जिप फाइल में कन्वर्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हो फोटोज 001 जिप, यानी हमारे जो फोटोज हैं वो जिप फाइल में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, आपको उसको एक्सट्रैक्ट करना होगा, तब जाकर गैलरी में फोटो शो होगा। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको फाइल मैनेजर में जाना है। फाइल मैनेजर में जाने के बाद आपको स्टोरेज को ओपन करना है। ठीक है, आपको डाउनलोड वाले फोल्डर में जाना है, डाउनलोड फोल्डर को आपको सर्च करना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको यहां पर सर्च करना है फोटोज को। आप देख सकते हो फोटोज 001 जिप। ठीक है, आपको इस पर टैप करना है। अब आपको इसको एक्सट्रैक्ट ऑल कर देना है। ठीक है, आप यहां पर नया फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर एक्सट्रैक्ट कर सकते हो या एक्सट्रैक्ट टू डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो हम पहले वाले पर क्लिक करते हैं, ओके करते हैं। तो दोस्तों हमारे जो फोटोज हैं वो एक्सट्रैक्ट हो चुके हैं। ओके, अब आप इन फोटोज को ओपन करके देख सकते हो। अगर हम गैलरी को ओपन करें तो दोस्तों गैलरी में भी ये फोटोज शो होंगे। ठीक है, आप देख सकते हो गैलरी में भी, गैलरी के अंदर ये फोटोज शो हो रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह आप बहुत ही आसानी से अपने डिलीटेड फोटोज को रिकवर कर सकते हो, दोबारा से वापस ला सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस बनाता रहता हूं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।